भाई सभी मेरी भाई मित्रों को राम राम। कैसे हो भाई लोग? मुझे काफी दिन से, 3-4 दिन से लोग यूं कह रहे कि पूछ रहे घोड़ा सीखना, घोड़ा चलाना आपको आता है क्या? अरे मन्ने तो सारी कला आता है, तलवारबाजी हो, घोड़ा चलानी हो, या मार धाड़ करने हो, बंदूक चलाना हो, ये तो अपनी मतलब है कि खून के अंदर भरे हुए, ठीक है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो ऐसे सीख जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में तो हम एक नंबर है ही है, पढ़ाई लिखाई में भी अगर जीतनी है ना, पेन इज माइटियर देन सोर्ड, मेनी हैव लिसन टू दैट, ठीक है, हम उस पे भी बस आगे एक नंबर, उसमें कोई शक की नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ घर की सफाई की काम हो गया, हम वहाँ शूद्र बन जाते, अपना खुद का काम कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं, हम आगे पीछे नहीं देखते। और बाकी जहाँ धंधा करनी हो वैश्य बन जाते, ऐसे भी बिजनेस कर रखे काफ़ी। और जहाँ पढ़ाई लिखाई हो वहाँ पंडित तो है ही है, हम पहले से भारद्वाज तो है ही है। और जहाँ लड़ाई झगड़ा आ गया तो हम क्षत्रिय भी बन जाते, ठीक है। बस सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं, और गाड़ी चलाना, घोड़ा चलाना, चाहे कुछ भी हो, वो हमारे लिए कोई बड़े बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले की देन है। बस यूं समझ लो हमारे अंदर जिगरा है एक, जब तक ये जिगरा कलेजा दौड़ते रहेगा ना, कोई डरने का मतलब सोचने वाली नहीं है चीज़। तो मैं ये कह रहा था, और राज की जो राजा जो होते वो गुण भी है हमारे अंदर। राजा वही होते हैं जो प्रजा के बारे में सोचते हैं, जहाँ पूरा प्रजा सुख रहते हैं तो वो राजा सुख रह सकते हैं। ये नहीं कि राजा यूँ कह दिया मैं और मेरा परिवार, मेरा साथ कई दोस्त थे बड़े बड़े जो बिजनेस वाले, वो खुश रहे, तो वो राजा कतई नहीं हो सकते। वो झूठा है राजा, वो मक्खार है राजा, ठीक है। तो राजा वही होता है तो अपना प्रजा को खुश रखते हैं और कुछ देखना चाहते हैं। तो बस आप लोग समझ गए होंगे तो मैं किसकी बारे में कह रहा हूँ। कोई बड़ा राजा जो भी होता है तो उनकी वही गुण होते हैं। जैसा मैं भी अपना राज्य में, जो अपने देश के अंदर जो भी है, चाहे गरीब हो, बड़े लोग हो, छोटा हो, जब तक कुछ नहीं, हम कुछ नहीं रह सकते भाई, कैसे रह सकते। तो ये वीडियो आपको अच्छी आएगी, लाइक करना, कमेंट करना और ज़रूर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि जो लोग अपने आप को राजा महाराजा समझते उन तक पहुंचनी चाहिए। बस जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय माता जी, जय हिंद।